मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ, आज मेरा शूट है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं लोकेशन का भी आपको व्यू दिखा दूंगी सराउंडिंग का, कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है क्या है, और आपको छोटे छोटे BTS इसमें भी देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। मैं निधि चौधरी। सो आज मैं अगेन शूट पे आई हुई हूँ, और मैं इस शूट पे भी आपको कुछ कुछ BTS दिखाती रहूँगी, जैसे कि मैंने आपको जब मैं यहाँ पहुँची थी तब बताया है, ठीक है। और प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने का अब मुझे टाइम मिला है, तो इसलिए मैं अब दे रही हूँ अपने सेकेंड टेक में। लोकेशन अच्छी है। सो गाइज, ये है मेकअप रूम, और यहाँ पे होने वाला है मेकअप, ठीक है, देख लो आप। चेक करवा लेते हैं, अंदर को तीन थे। उधर मेरा कलर। सो दिस इज द लोकेशन गाइस। हाय गाइस, सो काजल विद मी। आज मेरा मेकअप इन्होंने किया है। हेलो, कैसे हो? तो अभी मेरा शूट है, थोड़ा गैप देके उसके बाद हम लोग आएंगे। तो लोकेशन मैंने आपको सराउंडिंग दिखा दी है, ठीक है। अभी हम रेस्ट रूम में जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे। यहाँ पे काफी स्यापा हो गया, किसी की वॉच गुम हो गई है, बखेड़ा हो गया है, किसी की एप्पल वॉच गुम हो गई है, तो काफी मतलब सीन हो गया। ऐसे ऐसे कांड भी होते हैं देखो शूट पे ना। तो चलो देखते हैं, बाकी जब मेरा शॉट होता है तो फिर मैं तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस, यहाँ पे शूट चल रहा है, अब ये मेरे सॉन्ग की शूटिंग हो रही है, ठीक है। और दिस इज द लोकेशन। एक ये सेट तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी शूट होगा। हेलो, सो मैंने अपनी सेकंड आउटफिट चेंज कर ली है, और मेरी सेकंड आउटफिट ये है, ठीक है। और अच्छा शूट चल रहा है गाइस। देखो मुझे यहाँ पे कौन मिला। हेलो पवन सर। हेलो, कैसे हो? आपका भाई बाबा। मैं आ गई थी 2 बजे। अच्छा अच्छा, कैसा रहा आज का दिन आपका? अभी तो शुरू है मेरा शूट। आप कहाँ थे? अभी शादी वाला गाना? नहीं 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 नहीं, और मेरा कुछ फोन टाइप्स का है, कुछ अच्छा अच्छा अलग ही है। आप बताओ कैसे? मैंने तो देखा, मैं चलो बीजी है लड़की भाई, एक बार हो जाने दे फरी। चलो मुझे शेयर करा करो निधि चौधरी के नाम से। दोबारा लोकेशन में मैं सोच रही थी कि पवन सर मिलेंगे शायद मेकअप के लिए, बट काजल मिली यहाँ पे। काजल को मैं जानती हूँ, आ जाता मैं, बट नींद इतनी हो रही थी 20 दिन से शूट पे, आज मैं सो गया। सर ज्यादा बिजी रहते हैं तो। बढ़िया जी, बढ़िया, कैसे हो? ये काजल, ये निधि भाई साहब, कहीं भी उड़ के आ जाती, उड़ के उड़ के आ जाती। मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि आप मिलोगे, क्योंकि पिछली बार भी मिले थे आप। हाँ, है ना? तो मिल तो मैं सुबह ही जाता, बट मैं सोना बहुत जरूरी था। मैं काजल मिल गई, मैं चलो ये भी जान पहचान के बढ़िया है। फिर अभी सरप्राइज दे दिया, पवन सर पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए शेयर करा करो इसी वीडियो भाई, देखो साहब, देखने के साथ साथ सपोर्ट भी करा करो बाबा, बनता है सपोर्ट करना। तो लड़की मेहनत कर रही है। सब्सक्राइब क्या करो यार चैनल को, देख के बस ऐसे छोड़ मत दिया करो। हाँ ठीक है, ये मेहनत कर रही है, आप भी थोड़ी मेहनत कर लो इसके लिए। बस एक बटन ही तो प्रेस करना है पवन सर, लाइक का और सब्सक्राइब का। हाँ। उसमें कुछ आपकी अमाउंट थोड़ी जा रही है, ये तो है, आप लोगों की सपोर्ट है। चलो अब हमारे एंटरटेनर आ गए, तो अब और मजा आने वाला है शूट पे। पवन सर हंसाते रहते हैं बहुत, मतलब एंटरटेन करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है शूट। अच्छी लड़की ये भी भाई, देखा करो ये वीडियो, शेयर करा करो, बाय, दबा दिया करो ये भी। सो मेरा सेकंड शॉट भी कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं थर्ड ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, और मेरा थर्ड शॉट होगा थर्ड ड्रेस में, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स कम। सो दिस इज माय थर्ड आउटफिट, और मैं अब फटाफट निकलती हूँ, क्योंकि शॉट रेडी है, और फटाफट शॉट देती हूँ, और लेट्स सी कि आई होप ये लास्ट शॉट है, तो देखते हैं। चलो लेट्स
हेलो गाइस, तो अभी शूट ओवर हो चुका है, पैकअप हो गया मेरा और अब मैं जा रही हूँ अपने होटल स्टे करने, रेस्ट करने और फिर मैं होटल चल के आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे शूट पे सबको बाय कर देते हैं, टाटा कर देते हैं और निकलते हैं अपने होटल की तरफ। हे गाइस, तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ, मैंने चेक इन कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने क्योंकि बहुत 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 थक गई हूँ। तो या तो मतलब वैसे मेरा शूट काफ़ी अच्छा गया और आपको लेट्स सी कब सॉन्ग रिलीज होगा और कब आपको देखने को मिलेगा। और मुझे अच्छे अच्छे विशेस दीजिए यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो, वीडियो लाइक किया करो। तो या दिस इज इट फॉर दिस ब्लॉग गाइज, मैं मॉर्निंग फिर इसको घर पहुंच के कंटिन्यू करूंगी। मैं अभी बता देती हूँ, अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी मैं मतलब फ्री हूँ घर पे। एक्चुअली मैं व्लॉग ही नहीं कर पा रही क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, कहीं ऐसा बाहर जाना नहीं हो रहा है। और अभी घर पे बहुत गंदे वाला काम फैला हुआ है, कुछ काम पेंडिंग था क्योंकि हमारा नया घर बना था, तो कुछ काम पेंडिंग था हमारे घर का, तो वो सारा काम अब हो रहा है, ठीक है। तो पूरा घर ऐसा मतलब खलारा फैल रखा है ना घर में, ऊपर से लेके नीचे तक इतना गंद फैल रखा है, इतना गंद फैल रखा है कि पूछो मत, ठीक है। तो वो मैं गंद की भी वीडियो बट आपको दिखाऊंगी कि मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो घर में बहुत काम फैला पड़ा है, ऊपर से नीचे तक डेली वर्कर आते हैं, काम करते हैं, तो फिर उसी में ही पूरा दिन चला जाता है, उन्हें देखना करना ये वो। तो फिर अब मैं भी सोची, मैं कहा यार क्या गंदगी मतलब गंद फैला पड़ा है और क्या इसका व्लॉग करूं, बट ठीक है मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है घर में, क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई सही में बिजी थी। तो मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करती हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज नेक्स्ट डे। तो मैं अभी होटल में ही हूँ, अब चेकआउट करने वाली हूँ। मॉर्निंग 8:00 हो गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ अपने घर के लिए। और घर पहुँचते किशु से बात, मतलब किशु की आवाज़ सुनी मैंने, किशु अच्छी है। मैं होटल से चेकआउट करने वाली हूँ, थकान काफ़ी हो गई थी तो नींद अच्छी खासी आई है मुझे। मतलब मॉर्निंग में मुझे विक्की का कॉल आया तब मेरी आँख खुली है, वरना मैं अच्छे से सोई हूँ, ठीक है। तो नींद मेरी पूरी हुई है, वरना मेरे को ना अननोन प्लेस पे नींद नहीं आती। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अननोन प्लेस, अननोन बिस्तर पे मुझे नींद नहीं आती। बट आज कुछ शायद ज़्यादा ही थक गई थी तो इसलिए नींद आ गई और अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं आपको मिलूँगी दिल्ली में, बाय बाय। घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और घर का भी अपडेट देना है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, बताया है, तो घर का भी अपडेट दे दूँगी। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं और चेकआउट करते हैं और हाँ बिना लेट के निकलते हैं फटाफट, बाय। सो गाइस, मैंने बड़े कंफर्टेबल से जॉगर डाल लिया है ताकि मैं पूरे सफ़र में परेशान ना हूँ। तो ये मैंने अपना जॉगर पहन लिया है, ऊपर टॉप है और मैं अपनी ये जैकेट कैरी करूँगी साथ में क्योंकि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में तो ठंड होगी ही, ठीक है। इवनिंग में मैं डेनिम इसके ऊपर कैरी कर लूँगी, डेनिम जैकेट। और अभी निकलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय। तो गाइज़ आप ये देख सकते हैं घर की हालत, ठीक है, ये सब फैला पड़ा है। I've never had anyone complete the words I say.